हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सलमान खान के वकील हस्तिमल सारस्वत को मिली धमकी, कोर्ट में मिला पत्र। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अब फिल्म अभिनेता सलमान खान के वकील हस्तिमल सारस्वत को जान से मारने की धमकी दी है। हस्तिमल सारस्वत को धमकी भरा पत्र जोधपुर में ओल्ड हाई कोर्ट के जुबली चैम्बर की कुंडी में मिला है। धमकी में लॉरेंस बिश्नोई और उसके गुर्गे का संकेत दिया गया है। उसके बाद एहतियात के तौर पर हस्तिमल सारस्वत के घर सिक्योरिटी लगा दी गई है। वहीं खुफिया पुलिस भी इस मामले में नजर रख रही है। हस्तिमल सारस्वत को भी वैसा ही धमकी भरा पत्र मिला है जैसा सलमान और सलमान के पिता सलीम खान को मिला था। अधिवक्ता हस्तिमल सारस्वत ने इस मामले को लेकर संबंधित थाने में एक शिकायत दी है। अधिवक्ता सारस्वत की ओर से पेश की गई शिकायत में बताया गया है कि ओल्ड हाई कोर्ट के जुबली चैम्बर में स्थित उनके चैम्बर की कुंडी में डाला हुआ एक पत्र मिला है। इसमें उन्हें जान से मारने और देख लेने की धमकी दी गई है। हालांकि पत्र में सीधा लॉरेंस का उल्लेख नहीं है, लेकिन धमकी देने वाले ने इशारों ही इशारों में लॉरेंस की ओर से धमकी दिए जाने का संकेत दिया है। सलमान के अधिवक्ता सारस्वत को धमकी मिलने और उनकी तरफ से इस संबंध में शिकायत पेश किए जाने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस पत्र कुंडी में डालने वाले बदमाशों की जानकारी जुटाने में जुटी है। वहीं दूसरी ओर खुफिया पुलिस भी इस पूरे प्रकरण पर नजर गड़ाए हुए है। सलमान के पिता सलीम खान को भी बीते दिनों ऐसा ही धमकी भरा पत्र मिला था। गौरतलब है कि अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना लॉरेंस बिश्नोई ने एक पेशी के दौरान जोधपुर में कोर्ट परिसर में पुलिस के आला अधिकारियों के सामने मीडिया से बात करते हुए सलमान खान को मारने की धमकी दी थी। लॉरेंस ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि अभी तो हमने दिखाया ही क्या है, सलमान खान को मारकर दिखाएंगे और इसी कोर्ट परिसर में मारेंगे। वहीं सलमान के अधिवक्ता हस्तिमल सारस्वत को कुछ वर्षों पूर्व भी जान से मारने की धमकी मिली थी। उसके बाद उनकी ओर से पेश की गई शिकायत पर पुलिस ने उन्हें सुरक्षा गार्ड मुहैया करवाया था। सलमान के अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी दिए जाने के बाद एक बार फिर से सलमान, लॉरेंस और अधिवक्ता हस्तिमल सारस्वत चर्चा में है। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से खास रिपोर्ट।